हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज़ अमेरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये कोडोस का मैंने ट्रिमर ऑर्डर किया था जिसका कॉस्ट कुछ 7000 है। तो मुझे देखना था कि इसके रिव्यूज़ कैसे हैं एंड ये कितना अच्छा वर्क करेगा कैट के ऊपर। सो बेसिकली ये कैट को बहुत ज़्यादा ही नॉच थे क्योंकि ये गार्डन में घूमता है और जैसा कि आपको पता है समर सीज़न शुरू हो चुका है, कैट्स को ज़्यादा है रखना बोले तो बहुत आफत हो जाती है क्योंकि जैसे ही समर सीज़न आता है कैट्स को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है कोट में एंड बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या पेट पेरेंट्स क्या कोशिश करते हैं कि उनके कैट के ऊपर कोट ना रहे तो बेटर है, बट ये जो कैट हैं उनके पेट पेरेंट को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि उनका कोट छोटा हो। तो मैंने कोशिश किया कि मैं उसको ये वाले ट्रिमर से थोड़ा उसका कोट छोटा कर दूँ। सो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूँगी, ये वाला ट्रिमर बहुत ही साइलेंट है, आपको इसकी कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। और दूसरी चीज़, इसमें क्लिप्स अवेलेबल है और ये मार्जिन्स है, हमें कितने मार्जिन से अपने क्लिपर को यूज़ करना है। सो हम हमेशा ज़ीरो तो हम नहीं करते क्योंकि हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कैट की स्किन को एक्सपोज करना, तो हम इसे एक लाइन पे रख देंगे। एंड उसके बाद हमें शॉर्ट हेयर करना है तो हम क्लिपर लगा लेंगे एंड फिर हम शुरू करेंगे इसके बालों को ट्रिम करना। इसमें 3 इंच 6 जैसे कि ट्रिमर ब्लेड के ऊपर जो मज़ल होता है उसके ऊपर लिखा रहता है 3 इंच 6 के कौन सा वाला हमें यूज़ करना है, तो हम 3 यूज़ करेंगे बिकॉज हमको शॉर्ट हेयर चाहिए कैट के। एंड हम शुरू करते हैं अपना काम करना। सो ये ट्रिमर रिचार्जेबल होते हैं, हमें बैटरी को चार्ज करना पड़ता है और हम यही कॉर्ड से इसको चार्ज कर लेंगे जब भी हमें लगेगा कि अभी तो फ़िलहाल उसमें टाइम है, बट अभी जो जब भी लो बैटरी होंगी तो हम ये कॉर्ड से इसको रिचार्ज कर लेंगे वापस से। एंड ये एक ब्रश दिया हुआ है छोटा सा हमें हमारे ट्रिमर को क्लीन करने के लिए। 7000 की रेंज में है तो मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगा क्योंकि हमारे ट्रिमर 12 से 24 हज़ार ऐसे होते हैं। सो 7000 मिनिमम अमाउंट है एंड देखते हैं कि इसकी स्पीड कैसी है और ये कितना अच्छा कैट को साइलेंट रखता है क्योंकि ट्रिमर को देख के हमेशा कैट डर जाते हैं। तो हम पहले नेल्स ट्रिम कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता रही थी कि ट्रिमर की आवाज़ से कैट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमें यही देखना है कि ये ट्रिमर कितना अच्छा वर्क करेगा कैट के ऊपर और कैट इसके वजह से डिस्टर्ब तो नहीं होगा, हमें प्रॉपरली करने देगा या नहीं देगा ट्रिमिंग, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए हमारा वीडियो पूरा शुरू करते हैं। मैं आपको कट करके बताती हूँ कि किस तरीके से कैट ने हमको सपोर्ट किया, कैट ने हमारा साथ दिया और ट्रिमर ने कितना अच्छा वर्क किया कैट की बॉडी के ऊपर। सो हम शुरू करते हैं। अब कोट बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि कोट में नॉच आ गए हैं, डिटैंगलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पहले कैसा भी करके कैट के फर को शॉर्ट करेंगे, उसके बाद डिटैंगलिंग करना शुरू करेंगे। जो डिटैंगल नहीं होंगे बाल हमें उसको ट्रिम करना पड़ेगा। तो मैं पहले यही कोशिश करूँगी, ऊपर से इसको शॉर्ट करूँगी और नीचे से पूरे बाल ट्रिम कर लूँगी क्योंकि मुझे वो ज़्यादा करना ज़रूरी रहेगा। अगर मैं थोड़ा बहुत भी छोड़ती हूँ कोट को बड़ा तो प्रॉब्लम होगी, वापस से नॉच बनना शुरू हो जाएगी। सो जैसा कि आपने देखा था मैंने क्लिपर की 3 mm की मार्जिन ली है, 6 नहीं ली है, मुझे कैट का कोट शॉर्ट करना है। तो सो बहुत ही अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है कोट के ऊपर और कैट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं है। सो इसी तरीके से मैं पूरे कोट को फर को शॉर्ट कर दूंगी और फिर मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से पूरे कैट को शॉर्ट हेयर किया। सो मुझे नीचे के पोर्शन में बहुत ज़्यादा नॉट्स थी और मुझे ये पूरे कट करने पड़े हैं इसके कोट को, और आपको दिख रहा है बहुत ही स्मूथ आया हुआ है, बिल्कुल भी ज़रा सा भी हमें एक नॉट भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कोई ट्रिमर से कभी कभी कट नहीं होते हैं, बहुत ही हार्ड नॉट्स होते हैं, लेकिन हमें पूरा स्किन से हमने उसको ज़ीरो कर दिया बिकॉज हमारे पास छोड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी और मैंने पूरे नीचे के बाल ट्रिम कर दिए।
और अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट बताऊंगी कि मैंने कोट को कितना छोटा किया है। तो कोट छोटा करने के लिए हमने जैसा ट्रिमर यूज़ किया था, पहले पूरा ही कोट को हमने जितने भी नॉच है कोट के अंदर वो हमने पूरे निकाल दिए हैं। अब हम फाइनली उसको क्लीन करेंगे पूरा, और हम अब कैट को अच्छे से नहला देंगे ताकि पूरा कोट डिटैंगल हो जाए, और मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी जो कि बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए अब हम हमारे कैट को अच्छे से बाथ दे देते हैं और फिर उसको फुल्ली ड्राई कर देंगे। सो अब ड्राइंग का टाइम हो गया है, हम लोग को कैट को पूरा ड्राई करना है। जैसा कि आपको दिख रहा है अब काफ़ी ही कम हेयर हो गए हैं, तो ड्राई भी जल्दी हो जाएगा कैट। सो हमें अच्छे से टॉवल ड्राई करना है, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट ड्रायर यूज़ करेंगे कैट के ऊपर। ट्रिमर ने बहुत ही फास्ट काम किया था, जो कि आपको मैं वीडियो दिखा रही हूँ। हार्डली 5 से 10 मिनट्स के अंदर कैट पूरा ट्रिम हो चुका था मेरा, और हम अब उसको ड्राई करना शुरू करेंगे। तो मेरा पूरा सेटअप रेडी है कैट को ड्राई करने के लिए, और मैं फाइनली अब ड्राई करूँगी। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको नीचे का पोर्शन दिख रहा होगा जो कि मैंने पूरा ट्रिम किया है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा नॉच थे और मुझे वो पूरा क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। एंड कुछ इस तरीके से हमें फास्ट ड्राई करना है कैट को। एंड ये फाइनल रिजल्ट है, बहुत ही अच्छे से कैट का कोट डिटैंगल भी हो गया है, ट्रिम भी हो गया है, बहुत ही प्यारा लुक आया है इसका भी। सो हियर इज़ द फाइनल लुक। अभी भी थोड़ा डिटैंगलिंग बचा हुआ है, एंड बहुत ही अच्छे से देखिए आपको जैसा दिख रहा होगा ट्रिम हुआ है। अभी भी मुझे फाइनल डिज़ाइन देना बचा हुआ है, टेल में बहुत ही ज़्यादा बाल ख़राब थे तो मुझे इसको भी अच्छे से एक लुक देना है। एंड मैं इसका भी फाइनल कट करके आप लोगों को बताऊंगी। सो कुछ इस तरीके से मैं सीज़र से इसके बालों को ट्रिम कर लूँगी। मेरा मोटिव ये था आप लोगों को दिखाने का कि वैसे तो ट्रिमर का था ही, बट बेसिकली समर टाइम जो चल रहा है कैट को शॉर्ट हेयर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हॉट हो जाता है वेदर और कैट के लिए बहुत ही ख़राब है, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जितना कैट को अच्छा रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, उतना बेटर है। सो हमारा मेन मोटिव यही है मेरा आपको ये वीडियो बना के दिखाने का कि क्या के अभी समझ में आप कोशिश करिए शॉर्ट हेयर रखने के लिए, और जो कि मैंने कोडोस का ट्रिमर मंगाया है वो वर्क कैसा करता है, कितने अच्छे से ट्रिम करता है। क्योंकि सब ज़्यादा बहुत बार पूछते हैं मुझे कि कौन सा मैम ट्रिमर यूज़ करे, कौन सा ट्रिमर यूज़ करे, तो ये इजीली अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आपको कभी डील में भी मिल सकता है, कम में भी मिल सकता है। मुझे तो कुछ 6,999 का ये मिला है, तो कभी ऐसा हुआ कि कम में मिल जाए तो आपको मिल जाएगा।
एंड मैं अभी इसको और फाइनल टच दूंगी ताकि कोट अच्छे से सेटल हो जाए, सब जगह से कहीं से भी जिगजैग हेयर्स ना रहे, और उसके बाद मैं आपको फाइनल बताऊंगी कि क्या है। सो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कैट का पूरे हेयर्स इवन रहे दोनों तरफ से, लेफ्ट से भी और राइट से भी। मेक श्योर कि आप क्लिपर यूज़ करें, कभी भी आपको जब भी ट्रिम करना हो, डायरेक्टली ट्रिम करने से स्किन को डैमेज हो सकता है कैट्स की। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो हमेशा क्लिपर लगा के कीजिए, और अगर आपको ज़ीरो कट देना है एकदम, तो आप थोड़ा इंचेस के बाल उस पर अपने कैट के ऊपर छोड़िए ज़रूर, बिल्कुल भी एकदम स्किन से ज़ीरो नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोज हमें स्किन से कैट की स्किन से सनलाइट को एक्सपोज नहीं करना है। सो मेक श्योर कि आप थोड़े इंचेस को छोड़कर ही कैट को ट्रिम करें। फेस का भी मैं ट्रिम करूँगी बिकॉज हमें हर जगह से थोड़े थोड़े शॉर्ट हेयर चाहिए, एंड उसके बाद मैं इसे एक फाइनल लुक दे दूँगी। सो क्लिपर में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि कैट के हेयर फंस जाते हैं, तो आपको उसको भी क्लीन करना है। अगर आप प्रोफेशनल हो नहीं हो तो प्लीज़ आप क्लिपर यूज़ कीजिए। मुझे थोड़ा सा हैबिट है, सो मैं डायरेक्ट करूँगी बिकॉज मुझे कैट को मेन को शेप देना है कैट के। एंड एज यू ऑल कैन सी, फाइनल शेप हो गया है। एंड अब हम डायरेक्टली पूरे हेयर को ड्राई कर देंगे ड्रायर से। सो आप लोग देख सकते हो अब जैसे कोट में एक एक लेयर्स आ गई है, ऊपर से एक लेयर आ गई है, नीचे से एक लेयर आ गई है। सो हियर इज़ द फाइनल लुक। सो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कैसा लगा आपको ये वीडियो देख के, एंड ट्रिमर के ऊपर भी कमेंट करके बताइए कि कैसा क्या लगा आपको, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे DM कर सकते हो। Do not forget to subscribe to my YouTube channel. Keep following and keep loving.